कितने दिन से आप यहाँ बेच रहे हैं? 1974 से। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो होने वाला दरभंगा के टॉप 3 कॉलेज का। तो अभी हम जाएंगे दरभंगा और मेरे दोस्त को कुछ काम था, अनित को उसके अपने कॉलेज में, प्लस हमें अपने कॉलेज में भी जाना और उसके भाई के कॉलेज में भी जाना। वहाँ लगा, वहाँ कुछ ज्यादा ही स्लो काम नहीं कर रहा क्या? अभी अपने को 60 किलोमीटर 150 से काम चल जाएगा। निकाल आगे निकाल। आगे बहुत जगह ऐसा है जो टर्निंग पे चेकिंग होता है, तो अब यहाँ से हमें ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लाइसेंस भी है। हो गया, अभी सबसे पहले आ गए मारवाड़ी कॉलेज के पास। इस कॉलेज के पास खुद का पार्किंग का भी जगह नहीं है, ये यहाँ पे रोड पे, रोड के साइड में यहाँ पे बाइक लगाना पड़ता है यहाँ पे, और इसका काउंटर पे इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। मारवाड़ी कॉलेज का काउंटर जो कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, अगर ऐसे भीड़ में काम करवाए तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है, मतलब हद से ज़्यादा क्राउड है। इसका ये मेन गेट है, यहाँ पे जाते एंट्री लेते हैं। मारवाड़ी कॉलेज के अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि इससे पहले कभी आया नहीं, कोई काम था नहीं इस वजह से। इस तरफ है पूरा क्लासरूम इस मारवाड़ी कॉलेज का, और इसमें क्लासरूम में अंदर आने का एक ये गेट है, और एक पीछे से एक मेन गेट भी है जो कि अभी कीचड़ उस तरफ, इस वजह से वो बंद है। आगे अपने कॉलेज के अंदर, लेकिन आज इस कॉलेज में भी कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रहा है क्योंकि अभी 11th वाले का एडमिशन हो रहा है और पार्ट थर्ड वाले का अभी एडमिट कार्ड आया है, तो अभी एडमिट कार्ड पे इन लोगों को सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। इस वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ है अभी सब कॉलेज में। अभी मारवाड़ी में गया था उसमें भी इतना ही भीड़ था। अभी आगे CM साइंस कॉलेज के अंदर। इस कॉलेज में मेरा सेकेंड टाइम एंट्री है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था एडमिशन के लिए। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 80% मार्क्स चाहिए, उसके बाद एडमिशन होता है। उस टाइम मैं 12th में एडमिशन लेने के लिए आया था, लेकिन देखा ज़्यादा फी है तो फिर मैं अपने एरिया वाले कॉलेज में ही एडमिशन करवा लिया था। और इस कॉलेज में बिना आईडी कार्ड का तो एंट्री है ही नहीं। बाकी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कॉलेज है इसमें नंबर वन माना जाता है साइंस के लिए, और मैं जिसमें भी हूँ वो आर्ट्स के लिए नंबर वन माना जाता है। जिसका अच्छा नंबर रहता है उसका ही एडमिशन होता है यहाँ, बाकी अदरवाइज मुश्किल रहता है एडमिशन करवाना इस कॉलेज के अंदर। क्या हुआ, काम हो गया? चल एक काम तो कम से कम हुआ, नहीं तो दो काम तो ऐसे ही चला गया था। मेरा एडमिट कार्ड है। अभी गए थे दो कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और CM आर्ट्स कॉलेज जिसमें हम पढ़ते हैं, और अभी CM साइंस में जो कि मेरा दोस्त का इसी में एडमिशन है। ये कौन सा ऑनर्स है? इसका मैथ ऑनर्स है और ये CM साइंस में ही पढ़ता है। हम CM आर्ट्स में और ये CM साइंस में, तो अभी इससे हम सीनियर हो गए, ये एक साल जूनियर हो गया मेरे से, पहले मेरे साथ ही था। दोनों कॉलेज में ज़्यादा ही भीड़ था क्योंकि उसका रीज़न है, 11th वाले का एडमिशन हो रहा था, 12th वाले का एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो रहा था क्योंकि वो ऑनलाइन हो चुका है तो उसको सबमिट भी करना पड़ेगा कॉलेज में, और ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट वाले का एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर हो रहा था। ये तीन चीज़ एक साथ हो गया, इस वजह से अभी सब कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही भीड़ चल रहा है। तीन कॉलेज गए थे जिसमें से सिर्फ एक कॉलेज पे काम हुआ, और दो कॉलेज पे ज़्यादा भीड़ रहने की वजह से वो दोनों काम को छोड़ दिया। अभी आ गए दरभंगा टावर चौक पे। ये दरभंगा का सबसे फेमस जगह है, दरभंगा टावर लगभग सब जानता है इस जगह को। अभी यहाँ पे दरभंगा टावर के सबसे फेमस लस्सी पियेंगे यहाँ पे। इस दुकान का नाम है धमाका लस्सी। लस्सी कैसे गिलास है यहाँ पे? 40 रुपये गिलास। 40 रुपये गिलास। कितने दिन से आप यहाँ बेच रहे हैं? 74 से।
1974 से आपका एज है 1974 का, हमको तो नहीं लग रहा है। अच्छा 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 आपका जनरेशन था पीछे था ना, आप भी इसी में लगे हुए हैं। सही है, देखते हैं ट्राई करके। पहले ये लस्सी पी के तो मज़ा आ गया क्योंकि बहुत ही टेस्टी था, और ये 1974 से यहाँ पे लस्सी बिक रहा है। हम बोले कैसे भाई, तुम्हारी एज भी तो इतनी नहीं है। तो बोला नहीं, इससे पहले हमारा दादा सेल करता था, उसके बाद मेरा फादर, उसके बाद अब हम सेल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इसका पूरा पीढ़ी लस्सी बेच रहा है यहाँ टावर चौक पे। और इस लस्सी वाले का एक चीज़ सही था, बात करने का बिहेवियर सही था। मतलब कुछ दुकानदार ऐसा होता है ना कि मतलब सही से बात भी नहीं करता कस्टमर से, जैसे तैसे बात कर लेता, लेकिन इसका बात करने का तरीका भी सही। जलमी 1-7 का गिलास है देखा, गिलास ख़राब नहीं था, बट उसमें एयर ले लिया था तो वीडियो क्वालिटी उसका सही नहीं आ रहा था, इस वजह से हमें चेंज करना पड़ा। और यहाँ पे सस्ता देता दरभंगा में, और सकरी में, सकरी की बात करें तो जो गिलास यहाँ 30 रुपये देगा वहाँ वो 100 रुपये लेगा या 80 रुपये ले लेगा।